था, हम लोग गए हमेशा ठीक है। वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर लोगों से। गाइस 7 बज रहे हैं सुबह के 11:15, तो ब्लॉग सीधा भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपने इसके पिछले बार ब्लॉग में दिखा होगा, रात को घर आते आते लेट हो गए थे गाइस, करीब 12:15 बज गए थे। और फिर वही बोलते ना, चेंज एंड ऑल किया सब, थोड़ा एक काम था वो किया, फिर स्टोरी डाली, तो सोते सोते 1:15 बज गए थे गाइस। और फिर सुबह जिम जाके आपने बोलते ना, तो कितने बजे जिम जाना, एकदम टाइम पर जाएंगे गाइस, तो वही 6 बजे जिम पहुँच गया था। 7:15 बजे आ गया जिम से, फिर आते नाप ले लिया गया मैंने वापस, तो बस 6 बजे पहले उठा, ब्रेकफास्ट हमारे सब डन है गाइस। तो हाँ, आज का प्लान देखते हैं क्या है। कल तो बोलते ना एकदम इंस्टेंट प्लान, कल तो मेरा मन था गौतम जाऊँ मैं और मेरे फ्रेंड, मैं और मेरे फ्रेंड गाइस बाइक पे, फिर सब फ्रेंड ने बोला कि चलो कैफे, मैंने बोला ठीक है चलो बढ़िया। तो वही तो चलते हैं, बात आज का डे कंटिन्यू करते हैं, बड़ी को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोपहर के एक ब्लॉग से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और बोलते ना मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ गाइस। और अभी प्लान ये है कि मैंने आपको बताया था करीब 2-3 ब्लॉग पहले कि मैंने पीनट बटर ले लिया गाइस, और मैं अनबॉक्सिंग आपको दे गई, तो उसके एक दिन बाद मेरे को मौका नहीं मिला गाइस कि मैं शेक बना चुकी हूँ। अभी आज मौका मिला है, तो भैया को पूछता हूँ, भैया फ्री है तो भैया को पता कैसे बनाते हैं, तो मस्त आज मैं शेक बनाते गाइस और ट्राई करते कैसा है। मैं तो चॉकलेट पीनट बटर मैंने इसलिए मंगाया गाइस कि मेरे को नॉर्मल पीनट बटर तो बिल्कुल उसकी स्मेल ही इतनी अजीब लगाई दी है, तो भी थोड़ा बहुत ना उससे ठीक है, तो सोचा कि चॉकलेट ही मंगाते हैं। तो बस यही बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ, क्या क्या डालता हूँ उसके अंदर। सो गाइस अपना जो भी सामान है मैंने यहाँ पे ला के रख दिया गाइस, देखिए मिक्सी, ये ओट्स, दूध, प्रोटीन, चिया सीड्स, आलमंड्स, और ये अपना पीनट बटर, और ये हर्शीज सिरप गाइस ऊपर से ऐसे टेस्ट के लिए। तो बस अभी मैं एक एक स्टेप को बताता हूँ, पहले इसको क्या, इसको पूरा पाउडर बनाना है गाइस, इसको चिया सीड्स भी डालेंगे वो सब, खाली इसको पहले डालना है, बाकी हाँ, सब बनाएंगे सब अपना, बाकी सब ऊपर से ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ये देखिए गाइस अभी डाल दिए इसको अंदर, ये ओट्स और आलमंड्स को, इसका पूरा पाउडर बनाता है और मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो ये पूरा पाउडर है रेडी है। अभी अंदर ऐड करते हैं गाइस मिल्क, मिल्क के साथ और क्या ऐड करें, प्रोटीन, चिया सीड्स ऐड कीजिए, और अभी प्रोटीन, ये फ्लेवर कौन सा है, चॉकलेट, चॉकलेट। और अभी गाइस मेन खिलाड़ी, सबसे भयंकर टेस्ट वाला गाइस, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है, चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट गाइस। हमने सोचा बनाना भी ऐड करते हैं, बनाना वैसे ऐड करते ही हैं, अभी भूल गए थे, अभी याद आया सोचा कर देते, तो बस अभी इसको गाइस पूरा मिक्स करता हूँ। नहीं 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 नहीं, कुछ ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, तो बस गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मिक्स करने के बाद गाइस। ये तो बोलते ना अपना जो शेक रेडी हो चुका है, अभी इसको रेडी कर देते हैं गाइस, ग्लास को भी मस्त, चलो डेकोरेशन तो अच्छी हुई है, अभी टेस्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा गाइस। ओरियो शेक से कम तो दिखने में नहीं है गाइस, ओहो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, नाउ 150 रुपये हो गया गाइस। गाइस ये मेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, मेरे को पता है गाइस मैं फास्ट फूड वाला कहाँ ये खा रहा हूँ। हाँ अभी यहाँ से ये रहेगा प्रोटीन शेक गाइस, फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं सर, ठीक है। हाँ अच्छा, ज़्यादा मतलब इतना बुरा भी जेन एकदम अच्छा टेस्ट है, मतलब मीठा भी है और थोड़ा पीनट बटर का टेस्ट आएगा, बताया कि अभी नया नया होता है अभी, फिर रोज आदत पड़ जाएगी अपनी, तो बस गया अभी अपने रोज की रूटीन में ये भी ऐड हो गया, जिम से आने के बाद रोज अपनी बनाएंगे और पियेंगे बस। अरे भैया पीछे घड़े घड़े आया अच्छी मैं आपको रोज मैं दिखाऊंगा, बस अब से ये मेरी रोज की रूटीन में ऐड हो गया है, तो बस आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस जो ब्लॉग इसी शाम को कंटिन्यू कर रहा होगा, अभी मिल रहे हैं शाम के 4:30, तो हाँ अभी प्लान है कि गाइस 1-2 दिन पहले गए मैंने मेरे फ्रेंड से सुना था कि
और ये सिजलिंग ब्राउनी का टेस्ट एक नंबर था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और मतलब बोलते ना चाइनीज सिजलर और ये सब खाया गया, और हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम ट्राई किया, लेकिन सिजलिंग ब्राउनी गैस कभी मैंने ट्राई नहीं की। तो आज मेरा मन हुआ, सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड गए, हम लोग दोनों मैं और रोहित गए, हम लोग जा रहे हैं, देखते एक दो कैफे देखे अभी कौन से में जाएंगे, वो आपको पहुँच के बताएंगे हमेशा की तरह, अभी पहले से बताऊंगा नहीं। तो निकलते फटाफट बाइक पे जा रहे गए हम लोग दो जने, इसीलिए खाली उस ब्राउनी के लिए जा रहे गए और कुछ नहीं। वैसे कल तो कैफे हम लोग जाके आए, तो हाँ फटाफट जाते गए और फटाफट आते क्या, फिर आके एक और फंक्शन में जाना है, कहाँ जाना होगा आपको आके बताऊँगा। तो अभी निकलते हैं और आपको मिलता मोटर ब्लॉग में। तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस, बज रहे हैं अभी 4:45 पहुँचे हैं, अभी हम लोग ब्रबन रोड पहुँचने वाला है, बस ब्रिज के बाद ब्रबन रोड। और कोलकाता का वेदर मतलब बोलते हैं ना इतना इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव मतलब वो ठंड आ रही है इसीलिए गर्मी बहुत कम हो गई गाइस, एकदम अभी ठंडा ठंडा वेदर है इसीलिए बाइक पे जा रहे हैं। और मैंने क्या ट्रैफिक भी नहीं लगेगा और फटाफट आना भी, मैंने आपको बताया। ओए गाइस, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं सिजलिंग ब्राउनी खाने के लिए, वो अभी तक सस्पेंस रखो या नहीं रखो या पहुँच के बताऊँ क्या करूँ, सोचते हैं चलो पहले चलिए आगे गाइस, आप आगे जाके बता दूंगा। मन हुआ मेरा वाला, मेरे को सजेस्ट किया गाइस किसी ने कि ट्राई करो, तो मैंने बोला ठीक है चलो सिजलिंग ब्राउनी ट्राई करता है। और हाँ आपको भी गाइस कभी कुछ ऐसा लगे कोलकाता में हाँ ये चीज़ है तो आप लोग मुझे बताइएगा गाइस, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा अपना और अपने चैनल में दिखाऊँगा कोलकाता के यहाँ गाइस। और कोई बता मत देना वहाँ जाके स्टेट में जाके ये सब ट्राई करो, वो सब नहीं, कोलकाता में बताना मैं ज़रूर जाऊँगा। सिजलिंग वो जो चाइनीज सिजलर होता है ना गाइस, वो सब वो ट्राई किया हुआ है मैंने, लेकिन सिजलिंग हॉट ब्राउनी विथ आइसक्रीम कभी ट्राई नहीं की, तो आज वो खाने का मन हो गया गाइस, तो सोचा चलते हैं। आज सोचा KTM लूँ गाइस, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं सुजुकी की चाबी लेके आ गया नीचे, देखी नहीं कौन सी चाबी, दोनों चाबी क्या पास में रहती है, तो एक चाबी ऐसे निकाली मेरे को लगा KTM की होगी लेकिन सुजुकी की चाबी थी, नीचे आके देखा तो फिर सोचा छोड़ो सुजुकी लेके चलते हैं अपन, कोई भी हो गाइस जाने से मतलब है, दोनों बाइक बेस्ट अपनी अपनी जगह। गाइस तो 5:07 है, देखिए गाइस आप वेदर एक नंबर गाइस, सिग्नल पे खड़े हम लोग, रेड रोड है, सनसेट हो चुका है गाइस प्रॉपर, एक नंबर वेदर गाइस सच्ची में। ऐसे वेदर में गाइस बाइक चलाने का असली मज़ा है, न ही ज़्यादा गर्मी न ही ज़्यादा ठंड, एकदम मस्त मौसम। चलो रेड रोड गाइस, कलकत्ता का एकमात्र सुंदर रोड, इस रोड पे भी गाइस स्पीड लिमिट है, भगाए तो भगाए कहाँ गाइस, स्पीड लवर्स कहाँ जाए, लेकिन ज़्यादा तेज भी गाइस चलानी नहीं है, एकदम सेफ एंड सिक्योर, जहाँ भगानी होती है वहाँ भगाओ गाइस, वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सब जगह भगाओ, ऐसी भगाओ कि कंट्रोल हो सके, ऐसा नहीं कंट्रोल हो नहीं रही है अपन भगा रहे हैं गाइस भगा रहे हैं। मैं तो गाइस उतनी ही भगाता हूँ जितनी मैं कंट्रोल कर सकूँ, चाहे वो 70 की स्पीड हो या 130 या 140 की स्पीड हो, अपने से कंट्रोल होगी उतनी भगाएंगे गाइस ज़्यादा नहीं। कार भी मैंने मैक्सिमम 150 चलाई हुई है गाइस कंट्रोल, हाँ वो भी रात को, दिन होता तो उससे भी आगे जा सकते थे, अकेले नहीं गाइस, मेरे से बड़े एक साथ में थे उनके साथ। ये देखिए गाइस रेस चालू हो गई, सब भाग रहे हैं, अपन जाए इनसे आगे, ये तो राइट चला गया गाइस, इससे तो रेस से ही बोलते ना हटा दिया अपना नाम। हाँ हाँ गाइस क्या वेदर है एक नंबर, आज है गाइस सैटरडे, विक्टोरिया में कम भीड़ है गाइस, संडे को ज़्यादा भीड़ होती है, मैंने संडे को तो मतलब बोलते ना कि जगह नहीं मिलती है जितनी भीड़ होती है, फुल भीड़ यहाँ पे, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है गाइस विक्टोरिया,
हम लोग जा रहे हैं गाइस, आपको बता देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं कंट्री हाउस और अभी सीधा आपको वहाँ जाके मिलते हैं गाइस, ठीक है। बहुत बातचीत हो गई। तो गाइस यहाँ आपने बाइक पार्क कर दिया और गाइस सामने ही वह बेल्जियन वफल, लेकिन आज बेल्जियन वफल नहीं जा रहे गाइस, आज हम लोग जा रहे थे कंट्री हाउस। चलते हैं अभी अंदर, दिखाता हूँ गाइस कैसा है। कंट्री हाउस अंदर से कुछ ऐसा है। ऑर्डर कर दिया गाइस हॉट ब्राउनी विद आइसक्रीम, हॉट ब्राउनी मतलब सिजलिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन्यू है गाइस इसका, सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम, और एक कुकी ट्राई करते हैं कैसा है। अभी आता है और मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। तो आ चुके हैं, बस ये ब्राउनी भी आता है और फिर स्टार्ट करते हैं। देखा उसका जो प्रेजेंटेशन था, एकदम नेक्स्ट लेवल था। आपने मेरी स्टोरी भी देखी होगी, अगर मैंने शायद डाली है सोच रहा डालने की, शायद डाल दूंगा। नेक्स्ट लेवल का इस प्रेजेंटेशन, तो इतना मज़ा आ गया, बस अभी इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं। गाइस ये बज रहे शाम के 6:15। तो गाइस देखिए ये है कंट्री हाउस, और गाइस मतलब जो प्रेजेंटेशन और प्राइस और सब ठीक था, मतलब नेक्स्ट लेवल, टेस्ट तो अलग लेवल था। हम लोग गाइस हमेशा यहाँ पे आते थे बेल्जियन वफल, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आए थे कंट्री हाउस, जो कि टेस्ट एक नंबर निकला गाइस आज। अभी यहाँ पे भी आते रहेंगे हम लोग हॉट सीजनिंग ब्राउनी खाने के लिए। तो निकलते ये फटाफट घर गाइस, ये अपनी बाइक रेडी है, ये रोहित इसको भी बहुत पसंद आया गाइस, और जो ब्राउनी का टेस्ट और कुकी का टेस्ट वो भी एक नंबर था गाइस, नेक्स्ट लेवल। तो चलते ये फटाफट और आपको मिलते हैं घर पर। सो गाइस ये बज रहे हैं शाम के 7:30, ब्लॉग से काफ़ी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या है वहाँ से आके वही घर पे बैठा था, तो इतना शूट करने लायक चाहिए तो मैंने आपको दिखाया नहीं, और मैंने आपको बताया था कि गाइस आज हमारे बताया था आके मेरे को फंक्शन में जाना है, फंक्शन के बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में गेट टुगेदर है गाइस हम लोग का, हमेशा दिवाली के बाद होता है, तो इस साल भी है। तो अभी बस फटाफट रेडी हो जाता हूँ मैं, सब फ्रेंड्स रेडी है, रेडी होकर निकलते हैं फटाफट टेरेस के लिए, और वही आपको दिखाएंगे कैसा गेट टुगेदर होगा। सो गाइस बज रहा है 8, तो बोलता ना मैं रेडी हो चुका हूँ गाइस एकदम, क्या है बाइक पे गया था तो पूरा मुँह वो धो लिया, पूरा पोल्यूशन आपको पता है स्कूल के दागा, ऐसे कुछ मेरे आज की ड्रेसिंग गाइस। तो चलते हैं अभी फटाफट टेरेस में, फ्रेंड्स एंड ऑल सब वेट करके आए, हम लोग सी ब्लॉक में जाते हैं, वी ब्लॉक से एंट्री है, तो जाते हैं वी ब्लॉक और आपको दिखाता हूँ पूरा डेकोरेशन, जो भी ऊपर फंक्शन होगा गाइस सब दिखाऊंगा, और ब्लॉग थोड़ा कम ही करूँगा गाइस। तो चलते हैं फटाफट और मिलते हैं फ्रेंड्स से और जाते हैं टेरेस पे। तो गाइस हमारे छत्ता पे मीटअप हो रहा है दिवाली का, और यहाँ पे हमारे दोस्त को अवार्ड मिल रहा है, अभी उसका नाम आने वाला है, आज शिवम की जगह मैं उसका दोस्त लॉगिंग कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा दोस्त अवार्ड लेते हुए संकित बोथरा ने क्लास 12 में 90% से ऊपर क्या पाप किए हैं, ताली बजाओ। सुबह सुबह रात के 11 बोलते ना, तो मैंने सुबह घर आया और आते ही ड्रेस चेंज और सब कर लिया, ऊपर थोड़ा फंक्शन कंटिन्यू हो ही रहेगा इस बोलते ना हाउस और सबका, तो मैं तो घर आ गया इधर करके, और इतना मन में रखे सुबह से थक गया, सुबह गया था गाइस सुबह, तो आज बोलते ना सुबह जिम जाके आया, और फिर शाम को गया था बाइक पे, और फिर अभी फंक्शन फटाफट मैं तो घर आ गया, ऊपर फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है, एक दो गेम्स खेलेंगे हाउस ऑल, तो वही। तो ऐसे उस आज का ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।